नमस्कार, मैं भाग्यश्री। बीसीएन न्यूज के बिजनेस समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। साल के बाकी महीनों में प्याज के भाव कम रहने की संभावना। 2 लाख टन प्याज का बफर स्टॉक बनाएगी सरकार। और औद्योगिक दुर्घटना के मृत्यु दर बढ़ी। 2019 में 32 श्रमिकों की हुई थी मौत, तो 2020 में संख्या बढ़कर 40 तक पहुंची। बीएसई सेंसेक्स मंगलवार को 584 अंक उछलकर 51,025.48 अंक पर बंद हुआ। वैश्विक बाजारों में सकारात्मक रूप के बीच एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक बैंक भी तेजी के साथ बाजार में मजबूती रही। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 584.41 अंक यानी 1.16% मजबूत होकर 51,025.48 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 142.20 अंक मजबूत होकर 15,098.40 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स के शेयर में सर्वाधिक लाभ भी कोटक बैंक रहा है, इसमें करीब 3% की तेजी आई है। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक, टेक महिंद्रा, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट्स और टीसीएस में भी तेजी रही। दूसरी तरफ जिन शेयरों में गिरावट रही उनमें पावर ग्रिड, ONGC, NTPC और डॉक्टर रेडी शामिल है। एशिया के अन्य बाजारों में हांगकांग की हैंगसेंग और जापान के निक्की में तेजी रही, जबकि शंघाई कंपोजिट सूचकांक और दक्षिण कोरिया का कोस्पी नुकसान में रहा। भारतीय समय अनुसार दोपहर बाद खुले यूरोप के प्रमुख बाजारों में तेजी रही। रिपोर्ट बीसीएन न्यूज। साल के बाकी महीनों में प्याज के भाव कम ही रहने की संभावना है। कारण यह है कि प्याज की बंपर पैदावार और भरपूर आवक के बीच सरकार रिकॉर्ड 2 लाख टन का बफर स्टॉक बनाने जा रही है। ऐसा करके सरकार यह पक्का करना चाहती है कि बारिश के महीनों में प्याज की सप्लाई कमजोर ना पड़े और कीमतें काबू में रहे। केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक इस साल प्याज का रिकॉर्ड बफर स्टॉक बनाने का दूसरा मकसद किसानों को अच्छा भाव दिलाना भी है। आमतौर पर प्याज की सरकारी खरीद पहले केवल 3% से की जाती थी, लेकिन इस साल सरकार ने 4 और राज्यों से प्याज खरीद करने की योजना बनाई है। इनमें तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज। अगर आपने अभी तक पैन और आधार को लिंक नहीं किया है तो इस 31 मार्च तक जरूर कर ले। सरकार के द्वारा दी गई नई डेडलाइन तक अगर आप अपने आधार को पैन से लिंक नहीं करते हैं तो इसके लिए आपको भारी भरकम जुर्माना देना पड़ सकता है। फाइनेंस एक्ट 2017 के नियमों में हुए बदलाव के बाद आधार और पैन को लिंक करना अनिवार्य हो गया है। अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं होता है तो इनकम टैक्स विभाग आप पर ₹10,000 का जुर्माना लगा सकता है। पैन से आधार को लिंक नहीं कराने पर यह मान्य नहीं रह जाएगा। इसके बाद जहां पैन कार्ड जरूरी है वहां कोई वित्तीय लेन देन नहीं कर पाएंगे। अपने पैन को आधार से लिंक कराने के लिए आप इसे बायोमेट्रिक आधार सत्यापन के जरिए या फिर SNTL और UTISL के पैन सेवा केंद्र पर जाकर कर सकते हैं। इसके अलावा 567678 या 561611 पर संदेश भेजकर यह किया जा सकता है। संदेश UID पैन स्पेस 12 अंकों का आधार स्पेस 10 अंकों का पैन के प्रारूप में भेजा जा सकता है। दूसरा, विभाग की ई फाइलिंग पोर्टल www.incometaxindiafiling.gov.in के जरिए पैन को आधार से जोड़ा जा सकता है। माना जा रहा है कि कोरोना के कारण एक बार फिर सरकार पैन से आधार लिंक करने की तारीख बढ़ा सकती है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से इसको लेकर कोई भी जानकारी नहीं दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज। जल्दी आप भारत में बने iPhone 12 स्मार्टफोन को खरीद पाएंगे। दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल चीन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए कई देशों में प्रोडक्शन फैसिलिटी को बढ़ा रही है, जिनमें से एक भारत भी है। एप्पल ने भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत iPhone SE स्मार्टफोन के साथ की थी। इसके बाद कंपनी ने iPhone XR और iPhone 11 का प्रोडक्शन भी यहीं करने का फैसला लिया था। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी शुरुआत में iPhone 12 का 7-10% प्रोडक्शन चीन से भारत शिफ्ट करेगी। इसके अलावा कंपनी iPhone 12 मिनी मैन्युफैक्चरिंग को भी भारत लाने पर विचार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज।
यूरोपियन यूनियन ने बासमती चावल को लेकर दी जाने वाली जियोग्राफिकल इंडेक्स टैग की पाकिस्तानी मांग को स्वीकार कर लिया है। भारत के लिए ये एक झटके से कम नहीं है, क्योंकि अगर ये टैग पाकिस्तानी बासमती चावल को मिल जाएगा तो भारत को नुकसान हो सकता है। पाकिस्तानी चावल निर्यातकों का कहना है कि यूरोपियन यूनियन ने भारत को बासमती चावल के निर्यात के लिए विशेष अधिकार क्यों नहीं दिया जाना चाहिए, इस मांग को स्वीकार कर लिया है। भारत ने भी अपने बासमती चावल के जीआई टैग को मान्यता देने के लिए यूरोपियन यूनियन में आवेदन किया है। पाकिस्तानी न्यूज एजेंसी के मुताबिक यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान के नोटिस और पाकिस्तानी निर्यातकों के बयान को स्वीकार्य घोषित कर दिया है। दरअसल पाकिस्तानी निर्यातकों ने ईयू को बासमती चावल के जीआई टैग पर भारत के दावे के खिलाफ एक नोटिस में अपनी विस्तृत प्रतिक्रिया दर्ज कराई थी। पिछले साल भारत ने ईयू से कहा था कि वह भारतीय बासमती चावल को जीआई टैग देते हुए मान्यता दे। इससे भारत को यूरोपीय बाजार में चावल की इस किस्म पर पूरा अधिकार मिल जाता। हालांकि बौखलाए पाकिस्तान ने भारत के इस दावे को खारिज कर दिया था। उसने तर्ज दिया था कि पाकिस्तानी किसान भी बासमती चावल उगाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज। इस साल राज्य में औद्योगिक दुर्घटना के कारण होने वाली मृत्यु संख्या में बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2019 में 32 श्रमिकों की मौत हुई थी, जबकि 2020 में यह संख्या बढ़कर 40 तक पहुंच गया है। लॉकडाउन के समय कारखाने बंद थे, मगर खुलते ही अनेक कारखानों में तकनीकी गड़बड़ी के कारण दुर्घटना हुई और श्रमिकों की जान चली गई। राज्य में औद्योगिक दुर्घटना एवं मृत्यु संख्या जीरो करने के लिए सरकार ने लक्ष्य रखा है, मगर अब तक सरकार को इसमें सफलता नहीं मिली है। सरकारी तथ्य के मुताबिक 2019 में सामान्य औद्योगिक दुर्घटना के 545 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें 32 श्रमिकों की मौत हुई है। एक आंकड़े के मुताबिक 2010 में औद्योगिक दुर्घटना से 121 लोगों की जान चली गई थी, जबकि 2012 में 78 एवं 2018 में 42 श्रमिकों की जान चली गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज। खबरें समाप्त करने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। साल के बाकी महीनों में प्याज के भाव कम रहने की संभावना, 2 लाख टन प्याज का बफर स्टॉक बनाएगी सरकार। और औद्योगिक दुर्घटना के मृत्यु दर बढ़ी, 2019 में 32 श्रमिकों की हुई थी मौत, तो 2020 में संख्या बढ़कर 40 तक पहुंची। बिजनेस समाचार में फिलहाल इतना ही। ऐसे अन्य खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।